हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पोस्ट ऑफिस की एक बेहतरीन स्कीम के बारे में, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। ये स्कीम पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत आती है, जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। सुकन्या समृद्धि योजना को प्रधानमंत्री ने 21 जनवरी 2015 को शुरू किया था। यह स्कीम गवर्नमेंट की ऐसी पहली स्कीम है जो सिर्फ बेटियों के लिए स्टार्ट की गई है। अगर आपके यहाँ या आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्किल में 10 साल से छोटी बेटियां हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और इस अकाउंट को कहां पर हम ओपन करा सकते हैं, और इसके लिए ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनकी जरूरत आपको इस अकाउंट को खुलवाते वक्त पड़ेगी, आप इसके अंतर्गत मिनिमम और मैक्सिमम कितना पैसा आप इसमें जमा कर सकते हैं, और इसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, और इस योजना में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकता है। तो देखते हैं इसे अब हम अपने कंप्यूटर के ऊपर और जानते हैं इस योजना के बारे में। व्यूअर्स, इस योजना के बारे में डिटेल में जानने के लिए हमें इसकी साइट को ओपन करना होगा। इसके लिए गूगल पर आपको सर्च करना होगा इंडिया पोस्ट। तो इस तरह से ये इंडिया पोस्ट की ये साइट है, indiapost.gov.in। इस लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम बैंकिंग एंड रिमिटेंस पर जाएंगे और यहाँ पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम्स दिखाई दे रही हैं। इसमें से ये सबसे नीचे दिखाई दे रही है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इस लिंक पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ डिटेल ओपन हुई है। हम आपको इसको एक एक करके डिटेल में हिंदी में बताते हैं। इस वेबसाइट के अनुसार यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2018 से इसमें जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा इस योजना के अंतर्गत, वो होगा 8.1% पर एनम, यानी आपको 8.1% सालाना के दर से इस योजना में इंटरेस्ट मिलेगा। यहां पर लिखा हुआ है मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट एंड मैक्सिमम बैलेंस दैट कैन बी रिटेन्ड। इसका मतलब खाता खोलने और मिनिमम और मैक्सिमम राशि से है। इसके अनुसार इस योजना में आप मिनिमम 1,000 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक सालाना जमा करा सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके साइलेंट फीचर्स। यहां पर लिखा हुआ है साइलेंट फीचर्स इंक्लूडिंग टैक्स रिबेट, यानी इस योजना की विशेषताएं और उसकी टैक्स छूट के बारे में यहां पर बताया गया है। पहला पॉइंट है व्यूअर्स, ए लीगल गार्जियन या नेचुरल गार्जियन कैन ओपन अकाउंट इन द नेम ऑफ गर्ल्स चाइल्ड, यानी इसमें बेटी के सगे माँ बाप या लीगल गार्जियन, जैसे किसी ने बेटी को गोद लिया है या उस बेटी को पालता हो, वो उस अकाउंट को ओपन करा सकता है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी माता पिता अपनी बच्ची के लिए सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन करा सकता है। अधिकतम 2 बेटियों के लिए इस योजना के अंतर्गत अपना अकाउंट ओपन करा सकता है। अगर किसी के यहाँ जुड़वा बेटियां पैदा हुई हैं, तो वो इस केस में 3 अकाउंट ओपन करा सकता है। इसके तहत आपको जुड़वा बेटी होने का एक प्रमाणीकरण देना होगा। इस योजना में बेटियों की जन्म से लेकर 10 साल तक की एज रखी गई है, यानी अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल तक की हो गई है, तो आप उसका अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आप किसी वजह से इस खाते में पैसा जमा नहीं कर पाते हैं, तो आप अगली साल 50 रुपए की पेनल्टी देकर आप पिछले साल का अमाउंट भी जमा करा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी फैसिलिटी है। इसी योजना का एक बेनिफिट और है कि अगर आपका ट्रांसफर किसी दूसरी सिटी में हो रहा है या दूसरी शहर में हो रहा है, आप उस अकाउंट को उस शहर में ट्रांसफर करा सकते हैं। इस योजना में जो भी पैसा आप जमा कर रहे हैं, वह पूर्ण रूप से टैक्स फ्री है। ये योजना पूर्ण रूप से टैक्स फ्री है, यानी कि इस योजना के मैच्योर होने पर आपको जो पैसा दिया जाएगा, वो पूर्ण रूप से टैक्स फ्री होगा। तो उस अमाउंट में से आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि इस योजना के अंतर्गत आपको सिर्फ 14 साल तक ही पैसा जमा करना होता है, और इस योजना की जो मैच्योरिटी है वो 21 साल तक की है। लेकिन अगर आपकी बेटी 18 साल की हो जाती है और अगर आपको पैसे की जरूरत है, तो आप इसमें से 50% अमाउंट अपने इस खाते से निकाल सकते हैं।
तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है इस योजना का। अब हम आपको बताते हैं इस योजना को ओपन करने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी। एक तो हमें जरूरत होगी उस बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र की, जिससे उस बच्ची का उम्र का पता लग सके, तो लड़की का जन्म प्रमाण पत्र। दूसरा रहेगा एड्रेस प्रूफ के लिए अभिभावक का आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी या ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी भी डॉक्यूमेंट के रूप में इसमें लगेगी। तो बस यही डॉक्यूमेंट चाहिएगे इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। अब हम आपको इसमें कुछ अमाउंट बताते हैं कि कितना पैसा जमा करने पर आपको कितना अमाउंट मिलेगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसमें अभी का जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो है 8.1%। तो यानी अगर आप 1,000 रुपए पर मंथ जमा करते हैं तो आपको 21 साल बाद इसमें जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो रहेगा 5,46,977 रुपए। यानी आपने टोटल अमाउंट जो जमा किया 14 साल तक वो था 1,68,000, लेकिन इसमें आपको इंटरेस्ट मिला 3,66,977 रुपए। तो इन दोनों अमाउंटों को अगर हम मिलाएं तो आपको मैच्योरिटी के बाद जो मिलेगा वो 5,46,977 रुपए मिलेगा। अब अगर हम देखें कि अगर हम 5,000 रुपए जमा करते हैं तो 8.1 के हिसाब से हमारा टोटल अमाउंट कितना बनता है। अगर आप 5,000 रुपए जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी के बाद जो पैसा मिलेगा वो 27,34,891 रुपए मिलेंगे। यानी इसमें आपने जो टोटल अमाउंट जमा किया वो था 8,40,000 और इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिला वो था 18,34,891 रुपए। तो इसमें जो आपको मैच्योरिटी के बाद जो अमाउंट मिलेगा वो है 27,34,891 रुपए। अगर 10,000 रुपए जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा 54,69,775 रुपए। यानी टोटल आपने अमाउंट जमा किया 16,80,000 रुपए और आपको इंटरेस्ट मिला 36,69,775 रुपए। तो इस तरह से मैच्योरिटी अमाउंट टोटल हुआ 54,69,775 रुपए। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें आप इन्वेस्ट करके इसका लाभ ले सकते हैं। उम्मीद है व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे इसका नॉलेज दूसरों को भी मिले। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे तो वो वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। धन्यवाद।